हालेलुया, क्योंकि वो मुक्ति का दान है। बाइबल कहता है वो मुक्ति का दान है, हमें मुक्ति देने के लिए वो तैयार है। इसलिए तो परमेश्वर उनको प्यार को हमें दिखाया, हम उनके प्यार को हमें दिखाया क्रूस पर, सलीब पर अपने जीवन को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी मानव जाति और कोई भी पुरुष है, परमेश्वर क्रूस पर अपने जान मानव जाति के लिए दिया नहीं। हालेलुया, हर एक इंसान के लिए अपने जीवन को भी यीशु मसीह ने सलीब पर दिया है, क्योंकि हम उनका प्यार को समझने के लिए, मैं कैसे उनको अपने प्यार करते हुए से दिखाने के लिए तो परमेश्वर अपने जीवन को सलीब पर हमारे लिए दिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का पैदा क्यों अनोखा है वो बात में आ रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के पहले 700 साल पहले ग्रंथों पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दुनिया पर पैदा होने वाला है, वो हमारा पापों को छुड़ाने के लिए, हमारा मुक्ति देने के लिए वो व्यक्ति यरूशलेम में बेतलहम एक जगह में पैदा होगा। वैसे 700 साल पहले लिखा हुआ है। हालेलुया, आप लोग पैदा होने के पहले कोई बोले भविष्यवाणी की है? हालेलुया, आप लोग पैदा होने के पहले हमें कोई भविष्यवाणी नहीं की है, परमेश्वर हमें पैदा होने के पहले हमें चुना रखा है। यीशु मसीह पैदा होने के 700 साल पहले लोग ने भविष्यवाणी की है, यशायाह भविष्यवाणी ने भविष्यवाणी की है, एक व्यक्ति पैदा होने वाला है, वो दुनिया को मुक्ति के लिए पैदा होगा, उनको द्वारा दुनिया को मुक्ति मिलेगा। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह का पैदा अनोखा है। हालेलुया, हालेलुया, उनका पैदा क्यों होने का है? वो जो इस दुनिया पर पैदा हुआ तो लिखा हुआ जैसे पैदा हुआ, जो दुनिया पे रहता था लिखा हुआ का जैसे रहता था, उनका सेवा भी ऐसे था, पहले लिखा हुआ वो कैसे सेवा करेगा, उनका मृत्यु कैसे होगा वो भी 700 साल पहले लिखा हुआ है, उनका मृत्यु कैसे होगा। हालेलुया, हालेलुया, वो तीसरा दिन जी उठा है वो भी लिखा हुआ था। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह का फैदा अनोखा अनोखा। हालेलुया, 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 परमेश्वर वैसे उनको प्यार को हमें दिखाया, फिर उस भजन में लिखा हुआ था, फिर लोग उस प्यार को समझा नहीं, लोग हमें भी समझा नहीं, क्योंकि वो परमात्मा को भी समझा नहीं। वो वचन दोबारा पढ़ेगी थी, पहले योहन्ना का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, उसका पहले वचन दोबारा पढ़े हम। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। सच्चा परमेश्वर को नहीं जाना, इसलिए तो लोग मसीहों को जानता नहीं। हालेलुया, मन को बदला, इसलिए हम परमात्मा को जानना जरूरी है, परमात्मा को जानना जरूरी है, परमात्मा को जानना जरूरी है। आप लोग अपनी जगह में बैठकर भी बुला सकते हैं, हे परमेश्वर, तो आप सच्चा परमेश्वर तो खुदा मेरे पास आकर उससे मेरे दिल में आप बातचीत करो। जब आप अपने दिल से प्रार्थना करेगा शुरू करेगा तो परमेश्वर आपका दिल में भी प्रार्थना करने के लिए, आपका दिल में भी तेरे शांति को देने के लिए आज भी इस जगह में मौजूद है। हालेलुया, उन्होंने वायदा किया दो और तीन मेरे नाम में जिस जगह में इकट्ठा हुआ है मेरा आत्मा तेरे आपके बीच में है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपका पास भी परमेश्वर खड़ा है। आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार, तो आज भी परमेश्वर उनको शांति को, उनको मुक्ति को आपका दिल में देने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया,